नमस्कार, कल्चर.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जलेबी बनाना बताऊंगी। जलेबी बहुत ही फेमस मिठाई है और ये पूरे भारत में हर जगह खाई जाती है और बनाई जाती है। इसे घर में भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा, 1/4 कप दही, 1 टेबल स्पून बेसन, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 कप पानी। इसके अलावा चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी और 1 कप पानी। सबसे पहले हम जलेबी का घोल बना लेते हैं, क्योंकि उसे हमें करीब 8 घंटे के लिए खमीर उठाने के लिए रखना होगा। के लिए हम किसी बड़े बाउल में मैदा ले लेंगे और इसमें हम बेसन मिला देंगे, बेकिंग पाउडर भी इसमें मिला देंगे। हम सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम दही मिला देंगे। पानी मिला के इसे हमें गाढ़ा घोल बनाना है। मिला के हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है हाथ से। घोल को थोड़ा गाढ़ा ही रखना है पहले, क्योंकि ये खमीर उठने के बाद थोड़ा सा पतला हो जाता है। जैसे हम पकौड़े का बेसन घोलते हैं उसी तरह से उतना ही गाढ़ा रखेंगे। अगर बाद में ये खमीर उठने के बाद गाढ़ा लगेगा तब हम इसमें थोड़ा पानी मिला के पतला कर लेंगे। इसे इस तरह से इतना गाढ़ा रखना है। ये घोल हमारा फिट के तैयार हो गया है। अब इसे हम कवर कर देते हैं, चाहे तो उसपे क्लिंग रैप लगा दें या फिर किसी बर्तन से ढक के, ढक्कन से ढक के रख दें। इसे हमें करीब 8 घंटे तक, अगर गर्मी है तो 8 घंटे तक, अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो कम से कम 15-16 घंटे तक रखना पड़ता है। हमने कवर कर दिया है। अब इसे हम किसी गर्म जगह पे, किसी अलमारी के अंदर या किचन की रैक के अंदर रख देंगे। फिर 8 घंटे बाद हम इससे जलेबी बनाएंगे। कि जलेबी के लिए जो मैदा हमने फेंट के रखा था इसे करीब 8 घंटे हो गए हैं, तैयार हो गया है। इसे हम एक बार फिर से फेंट लेंगे। अगर आपको बहुत गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी मिला के पतला कर लें। इसे ऐसा गिरता हुआ सा रहना चाहिए। ये पकौड़ी के बेसन जैसा ही है। ये तैयार हो गया है। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। ये जो 2 कप चीनी हमने ली थी इसे हम 1 कप पानी में डाल देते हैं और इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं। हमें जलेबी के लिए 1 तार की चाशनी बनाना है, तो इसे हम अच्छे से घुल जाने देते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि इसमें 1 तार बन रहा है कि नहीं। जलेबी बनाने के लिए अगर आपके पास इस तरह की कोई जलेबी मेकर है तो आप इससे बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास तो किसी भी दूध की या किसी भी कोई भी मोटी पॉलिथीन लेकर के उसमें हम जलेबी का घोल भर लेंगे और आगे से थोड़ा सा काट के फिर इससे हम जलेबी बना सकते हैं। पॉलिथीन में भरने के लिए इस पॉलिथीन को हम किसी ग्लास के ऊपर ऐसे सेट कर लेते हैं, इसे भरने में आसानी होगी। तरह से इसको सेट कर लिया। अब हम इसमें जलेबी का बैटर भर देंगे। इसे कोने पे सेट कर देंगे इस तरह से और ऊपर से एक रबड़ लगा देंगे। ये इस तरह से बन गया है। अब इसे हम आगे से काट के फिर इससे जलेबी निकालेंगे। इस तरह से हम जलेबी के मोल्ड में भी जो ये बैटर भर देंगे। हम जलेबी बनाने के लिए किसी इस तरह की फ्लैट कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। ये चाशनी बन के तैयार हो गई है। इसे हम चेक कर लेते हैं। स्टिकी हो गई है। इसे बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं करना है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं बस उसी तरह की रखनी है। गैस बंद कर देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अभी हम पैकेट में थोड़ा सा आगे से काट लेते हैं, बहुत थोड़ा सा, छोटा सा छेद करना है। अब इससे हम जलेबी बनाना शुरू करते हैं।
तरह से गोल गोल घुमाते हुए जलेबी बनानी है। जितनी एक बार में आ जाएंगी डाल देंगे इसमें। इसे हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है, मीडियम आंच पे इसको तलेंगे हम। ऐसे किसी पतली तीली से या फिर इसे आप फोर्क से धीरे से पलट सकते हैं तरह से। अच्छी तरह से पलटते पलटते हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। इसे मीडियम आंच पे ही तलना है, अगर तेज आंच पे तलेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगी और फिर करारी नहीं होंगी, चाशनी में डाल के ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसे हमें मीडियम आंच पे ही करारा हो जाने देना है। इसे हम निकाल लेते हैं, जलेबी सुनहरी हो गई है, अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे निकाल के हम चाशनी में डाल देंगे सीधे। चाशनी में डाल के इसे हमें कुछ सेकंड के लिए ऐसे छोड़ देना है, बस उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। बहुत देर तक चाशनी में नहीं पड़े रहने देना है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इसी तरह से हम और जलेबी डाल देते हैं इसमें। हमारी सारी जलेबी बनके तैयार हो गई है, ये बहुत ही करारी और स्वादिष्ट बनी है। इस बार त्योहारों पे आप जलेबी बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए, इसका स्वाद सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।